शालिनी जी आप इतना खूबसूरत नहीं लगते हो, ठीक है अच्छी तो आप मुस्कान है, आप ये कुत्ता का ऐसा भी पूरा शक्ल नहीं है, ठीक है ना। ऐसी बच्चों पे बहुत तरस आता है। Hey guys, तो मैं कुछ बताने आई थी बट लिटरली मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मैं क्या बताऊं और कैसे बोलूं। लेकिन सच बताऊं यार, बहुत ऐसी बच्चों पे बहुत तरस आता है कि वो बोलती हैं कि ऐसा वैसा बिना किसी चीज़ों के किसी को जज करना। बेटा बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ मैं आपको, अगर आप मेरा मेंशन देखोगे तो आपकी एज जब ये सारी बातें करने की नहीं है, ठीक है मैं सुंदर नहीं हूँ वो बात अलग है, मैं कुछ नहीं हूँ वो बात अलग है, मुझे मुझे अच्छा भी नहीं लगता कोई मुझे बार बार ये सब बोले। लेकिन सच बताऊँ बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है गाइज मुझे। मैं आई डोंट नो, ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ या नहीं करूँ, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ, आप देखो ज़रूर। हाय गाइस, एक बात बोलना चाहती हूँ। शालिनी जी आप इतना खूबसूरत नहीं लगते हो, ठीक है ना, आप मेकअप लगाते हो ये सब लगाते हो, इतनी भी खूबसूरत नहीं, उससे अच्छी तो आप मुस्कान है। आप मुस्कान की सदा भी अगर बीच में क्यों आए थे, आप इतनी गंदी लड़की, तेरा शक्ल नहीं है, कुत्ता का ऐसा भी तेरा शक्ल नहीं है, ठीक है ना। सदाब जी तो आपसे प्यार नहीं करते, पता है मैं बोलती हूँ दिल से, ओके सदाब भैया आपसे प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ शादी कर लिए इसका मतलब नहीं कि मुझसे प्यार करता है, ओके आपसे कुछ प्यार नहीं, आपकी शक्ल नहीं है, ठीक है। और मुझे पता है आप सदाब भैया से शादी क्यों किए, आप फेमस होने के लिए शादी किए कि मुझे लाइक मिले, फॉलो मिले, मैं फेमस हो जाऊँ, इसलिए आप सदाब भैया को शादी किए, ठीक है ना, मुझे तो लगता है वही। तो ये था एक स्टोरी का पार्ट। तो गाइज यार आप लोग मत जाना और उस छोटी सी बच्ची को हेट मत देना, मैं दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि वो लोग नादान है यार, बहुत छोटे बच्चे, उन लोग जो देखेंगे वो चीज़ ही बोलेंगे, अभी उन लोगों में इतनी समझ नहीं है। और मैं ये सारी चीज़ें लेट गो करती हूँ, और एक ही चीज़ मेरे पापा ने मुझे सिखाई है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को कहीं बीत ना जा। गाइस थैंक यू सो मच फरीन, आपने इतना प्यारा मेकअप किया मुझे, सुबह से लेके शाम तक आप इतनी मेहनत कर रहे थे और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मेकअप लगा। तो गाइस अगर आपको भी ब्राइड्स या आपको पार्टी मेकअप या किसी भी टाइप के मेकअप करवाने चाहिए, देख सकते हैं इनको भी, तो मैंने आईडी मेंशन की है इनकी, जल्दी से जाओ इनको डीएम भी करो और अपना ब्राइड्स जो भी एंजॉय करो या जो भी आप मेकअप करते हो, मतलब ऑल टाइप के मेकअप करते हो ना। तो गाइस फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाओ। तो आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट की है, इतने दिन से मैंने कोई अच्छी रील्स पोस्ट इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और अब मैंने रील्स पोस्ट की है तो आज मैं ज़्यादा अच्छी भी देख रही हूँ। तो जल्दी से जाओ देखो और बताओ कि आप सबको रील्स कैसी लगी।